अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं बीएलआई चैनल। बीएलआई चैनल में मैं आप लोगों के लिए हमेशा डिफरेंट टाइप की रेसिपी लेकर आती हूँ। आज बहुत ही ज़बरदस्त से कटलेट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। कटलेट्स तो सभी बनाते हैं, लेकिन मेरा क्या स्टाइल है, मैं इसमें कौन सा ऐसा इन्ग्रीडियंट्स है जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, और मैं इसको किस तरह बनाती हूँ, इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स ऐड करती हूँ, तो आज हम जो पूरी वीडियो है इसी रेसिपी को बनाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त से ये कटलेट्स बनते हैं। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, बड़े भी नहीं, बड़े भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त से कटलेट्स बनते हैं, और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, और डिफरेंट जो इसमें इंग्रेडिएंट्स में डालती हूँ उसका जायका बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होता है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्ती जो है रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे कटलेट्स, और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, और इसमें हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं और मैं किस तरह से बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मैंने दो जो हैं आलू कट कर लिए हैं, और इस तरह से कटलेट्स इसके बना लिए हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे बेसन, जो कि हमने लिया है 5 टीस्पून। और इसके अलावा हमने इसमें ऐड करना है मिर्च मसाला जात, जो इसमें ऐड होंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। चुटकी भर हमने इसमें डालेंगे रेड चिली, चुटकी भर हम इसमें डालेंगे ब्लैक पेपर, और चुटकी भर ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे, और चुटकी भर ही हमने इसमें कोरिएंडर पाउडर ऐड करेंगे। तो ये तमाम मसाला जात हमने इसमें ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए और हसबे ज़रूरत इसमें पानी ऐड होगा, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को हम ऐड करते हैं। सबसे पहले हम मसाला जात ऐड कर देते हैं, और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे बेसन, और इसको अच्छी तरह से जो है मिक्स करेंगे। और हसबे ज़रूरत पानी ऐड करना है, पानी एकदम से ज़्यादा नहीं ऐड करना कि ये पतला हो जाए, कि इसको हम जब फ्राई करें तो मसला हो। सिर्फ मैंने इसमें 1 टीस्पून अभी ऐड किया है, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और जितनी ज़रूरत होगी तो फिर हम इसमें और ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है तमाम मसाला जात को। जी, अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। इसमें मैंने ऐड किया है 3 टीस्पून पानी, ठीक है। पानी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, फिर वो जो है जब आप इसको फ्राई करेंगे तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा, अगर ज़्यादा जो है वो लिक्विड बना लेंगे तो। इसी तरह से आपने इसी तरह से जो है वो बिल्कुल बनाना है, ताकि इसको फ्राई करने में कोई मसला ना हो। बहुत ज़बरदस्त लगते हैं ये कटलेट्स, और बहुत ही डिफरेंट स्टाइल से मैं बना रही हूँ। इस तरह के कटलेट्स आपको शायद ही किसी ने बताए हों, बिल्कुल ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत ज़बरदस्त होती है। हसबे ज़रूरत इसमें हमने काली मिर्च, हसबे ज़रूरत इसमें लाल मिर्च, हसबे ज़रूरत इसमें हमने नमक ऐड किया है, और थोड़ा सा हरा जो सूखा धनिया होता है वो ऐड किया है। तो इसको अभी हमने करना है फ्राई, तो फ्राई करते हैं। जी, मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें मैंने ऑयल जो है डाल लिया है, तकरीबन 3 टेबल स्पून है, और इसको हम गर्म करेंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है, तो ऑयल को हम गर्म कर लेते हैं। जी, ऑयल जो है गरम हो चुका है, और इसको हम ऑयल को चेक करने के लिए एक पहले डाल के देखते हैं। जी, ऑयल जो है हल्का हल्का भी गरम हो रहा है, और इसको थोड़ा सा और... जी, ऑयल जो है गरम हो चुका है, तो अब हम इसमें जो है कटलेट्स जो है सारे डाल देते हैं, और इनको कर लेते हैं फ्राई। जी, इस तरह से हमने जो है फ्राई करते जाना है, और सारे ही इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। जी, गोल्डन गोल्डन जो है ये फ्राई होते जा रहे हैं, इसी तरह से हमने जो है सारे फ्राई कर लेने हैं, और इसको मैं निकाल लेती हूँ। जी, मैंने जो है सारे फ्राई कर लिए हैं, और मैंने निकाल भी लिए हैं, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त से ये फ्राइज़ जो है तैयार हुए हैं। आप इसे कटलेट्स कह सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल से हैं, क्योंकि हमने इसे बेसन लगा के तला है, तो बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल के ये जो है कटलेट्स बने हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं, एकदम ऑसम लगते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप भी इसी तरह से बनाइएगा, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, बड़े भी जो है वो कम नहीं, वो भी बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। सादा चावल लें, साथ में ये वाले कटलेट्स लें, बहुत ज़बरदस्त लगते हैं, क्योंकि बेसन में जो है वो एक तो बेसन का जायका बहुत अच्छा होता है, और दूसरा बेसन के फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। ख़ास तौर पर वो अफराद जिन लोगों को शुगर का मसला है, वो बेसन का जो है इस्तेमाल करते रहना चाहिए उनको। तो बहुत ज़बरदस्त सी ये एक छोटी सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है, और बहुत टेस्टी होती है, और खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं।
तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने से ये होता है हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले, और आप उसको वॉच कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात आप मेरी रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। और इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टिल देन टेक केयर।